जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्पीकिंग इंग्लिश का एक छोटा सा पार्ट, यानी कि अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको एक दिन में, एक महीने में, दो महीने में इंग्लिश बोलना नहीं आएगा, लेकिन अगर आप छोटे छोटे सेंटेंस को डेली सीखते रहेंगे तो एक ना एक दिन ज़रूर से आप भी फराटेदार इंग्लिश बोल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको किसी से बोलना हो मुझे पानी दीजिए, क्या बोलना हो, मुझे पानी दीजिए या मुझे पानी दो, दोनों सेम बात है, तो इसको बोलेंगे लेट मी। यानी कि लेट मी का मतलब होता है मुझे दीजिए। अगर आपको कहीं भी मुझे दीजिए या मुझे दो का सेंस दिखाई दे तो समझिएगा कि वहाँ पे आपको लेट मी लगा करके बोलना है। इसका क्या मतलब होता है कि मुझे दीजिए। देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, क्या एग्जांपल लिया है, एग्जांपल लिया है कि मुझे पानी दीजिए, तो आपको शुरू में लगाना है लेट मी। क्या लिखेंगे, लेट मी। अब पानी मांग रहे हैं तो आप लिखिए पानी, वाटर, डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर। तो इस प्रकार से ये क्या होगा, लेट मी वाटर। अगर आपको भोजन मांगना है तो आप क्या बोलेंगे, लेट मी फूड। क्या बोलेंगे, लेट मी फूड। देखिए, अगर आप लोग हिंदी को हिंदी के तरह सोचेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। छोटे छोटे सेंटेंस रहेंगे तो आप उसको इंग्लिश में ही बोलिए, कुछ भी बोलिए। अगर आपसे गलत भी बोला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने गलत भी बोला तो इंग्लिश में ही तो बोले। तो इसीलिए आपको भले छोटे ही छोटे अगर आपको सेंटेंस आते हों तो आप उसको इंग्लिश में भी बोलने का ट्राई कीजिए। और एक बात और है कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आज हम लोग सीखे लेट मी का प्रयोग, जैसे मान लीजिए हमको मांगना था पानी तो मैंने बोला कि लेट मी वाटर, मांगना है भोजन तो लेट मी फूड, मुझे जाने दीजिए लेट मी गो। तो इस प्रकार से अगर आपको जो भी इस तरह का सेंटेंस है तो आप इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का उपाय ये हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई भाई बहन है, आपसे बड़ा है या आपसे छोटा है, तो उसको आप सिखाइए और उसके साथ भी बोलिए आप, क्योंकि वो भी सीखेगा आप भी सीखेंगे। या तो अगर आप घर कोई नहीं है तो आप किसी भी शीशे के सामने खड़ा हो जाइए और वहाँ पे बोलिए कि लेट मी भोजन या लेट मी फूड, लेट मी गो, लेट मी वाटर, लेट मी कॉफ़ी, लेट मी कुछ ही बोलिए, लेकिन आप थोड़ा इंग्लिश बोलिए। इंग्लिश बोलने से जो आपका टंग है वो भी आपका धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि आपसे शुरू शुरू अगर आप इंग्लिश बोलेंगे तो जो आपका टंग है वो भी आपका जो हिंदी बोल के परिका हुआ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए आप छोटे छोटे सेंटेंस को इंग्लिश बोलने का ट्राई कीजिए। अगर आप किसी से बात करते हैं तो बात करते समय भी अगर कुछ वर्ड इंग्लिश है तो उसको आप यूज किया कीजिए। धीरे धीरे यूज करने से आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। मुझे भोजन दीजिए, मैंने क्या बोला, लेट मी फूड, लेट मी फूड, लेट मी फूड, मुझे भोजन दीजिए। अगला मैंने लिया है मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो, लेट मी गो। मुझे आने दीजिए, लेट मी कम, लेट मी कम। कितना आसान है, देखिए आप बोलिए, बोल लेंगे। चलिए बोलिए मेरे साथ, मुझे पानी दीजिए बोलिए लेट मी वाटर, मुझे भोजन दीजिए लेट मी फूड, मुझे जाने दीजिए लेट मी गो, मुझे आने दीजिए लेट मी कम, मुझे खेलने दीजिए लेट मी प्ले, लेट मी प्ले। देखिए, अगर आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस से इंग्लिश बोलने सीखना है तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लाल वाला बटन उस पर क्लिक कीजिए और जो घंटी आएगी उस पर क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं अपना वीडियो अपलोड करूँगा आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगा और तुरंत ही आप देख करके उसको सेव करके 5-6 बार देख लेना, उसको प्रैक्टिस करना। आपका काम है केवल प्रैक्टिस करना, मेरा काम है कि डेली वीडियो बनाकर आपको देना, बस इतना ही काम है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रैक्टिस करते हैं। अगला में नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज हमने ले रखा है मुझे कलम दो, मुझे कलम दो। मैंने बोला था कि दो या दीजिए, दोनों का सेंस एक ही होता है। अगर आपको बोलना हो मुझे कलम दो तो सेम बोलेंगे लेट मी पेन, लेट मी पेन। अब आप लोग भी जल्दी जल्दी से बोलने का प्रयास कीजिएगा, मुझे चाबी दीजिए लेट मी की, लेट मी की। मुझे सोने दीजिए लेट मी स्लीप, लेट मी स्लीप, यस एल डबल ई पी। लेट मी कॉपी, लेट मी
कॉपी। मुझे पहले मुझे कोशिश करने दीजिए, पहले मुझे कोशिश करने दीजिए। लेट मी, लेट मी, लेट मी। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए लेट मी हो गया ना, तो लेट मी का होता है मुझे दीजिए, इसका हो गया। अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या लिखना चाहिए, पहले का लिखना चाहिए या कोशिश करने का लिखना चाहिए, क्या करना है आपको। जैसे आप लेट मी लिख लेंगे तो आपको ना उल्टा देखना है। उल्टा मतलब क्या, कि जो पहले उल्टे तरीके से आएगा उसी को लिखेंगे। देखिए पहले क्या आ गया, कोशिश करना, तो पहले इसको लिखेंगे ट्राई, इसके बाद आ रहा है पहले। यानी कि जैसे ही आप लेट मी लिखेंगे तो आपको उल्टा तरीका से चलना है। जैसे दीजिए का तो हो चुका है, अब ट्राई करना बच गया, तो ट्राई करना का क्या होगा, ट्राई होगा, और पहले का फर्स्ट। तो इस प्रकार से अगर लंबी भी सेंटेंस होती है तो आपको ऐसा करना है, यानी कि लेट मी पहले लिखना है, फिर आपको उल्टा चलना है। उल्टा चलते समय जो पहले पड़ेगा उसको पहले लिखना है, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखना है। तो इस प्रकार से आज हम लोग लेट मी का प्रयोग सीखे हैं कि लेट मी के प्रयोग से कैसे हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई है और आज से आप लोग इंग्लिश बोलने का प्रयास करेंगे। देखिए अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो सीखना भूल जाइए, अगर आप प्रयास करने के लिए तैयार हैं और प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आज से 5-6 महीने बाद ही आप बहुत सारा इंग्लिश बोलने सीख जाएंगे और आपका भी इंग्लिश बोलने वालों में नाम आ जाएगा। सो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया हो तो एक बार फिर से बोलते हैं कि इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सेंटेंस के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।